देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, मुद्दे क्या हैं, जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है। 2017 में जब पिछली दफ़ा विधानसभा के चुनाव हुए थे तब दरअसल एक वेव थी, एक लहर थी जिसका नाम था मोदी लहर। तो क्या इस बार भी कोई लहर है या फिर नहीं है, इसको टटोलने की एक कोशिश है हमारी, और हमारे कार्यक्रम का नाम है मेरा गांव मेरा देश का यूपी एडिशन। नमस्कार, मेरा नाम है काविंद्र चौहान। अब आज के कार्यक्रम में हम एक और विधानसभा पहुंचने वाले हैं। इस विधानसभा में पहुंचकर हम यहां की जनता की नब्ज को टटोलने की एक कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पहले के चार चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें जो मुद्दे प्रभावी थे, क्या यहां भी वो मुद्दे प्रभावी हैं, क्या जिन मुद्दों को लेकर अब आपके नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो कुछ भी असर डालती हुई जनता के बीच नजर आ रही है। इन सभी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। और आज आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं कादीपुर विधानसभा की। कादीपुर विधानसभा सुल्तानपुर के अंतर्गत आती है। कादीपुर विधानसभा कई चीज़ों में अहम है, महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इस बार कादीपुर विधानसभा में सीधी फाइट है, सीधी टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है तो दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग एमएलए राजेश गौतम साहब को एक बार फिर टिकट दिया गया है, वो एक बार फिर भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि भगेलू राम साहब जो कि पहले बसपा में थे, तीन बार विधायक बने, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। तो इस बार जब वो समाजवादी पार्टी में आए हैं तो सपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं। तो फाइट सीधी सीधी है, लेकिन फाइट के बीच क्या कुछ होने जा रहा है इसको जानेंगे कि कादीपुर विधानसभा में आखिर माहौल क्या है इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, तस्वीरों के जरिए ये देखिए आपकी कैसी दिखती है आपकी कादीपुर विधानसभा। बाकी जो अन्य विधानसभाओं से ताल्लुक रखते हैं वो भी समझ सकते हैं कि कादीपुर विधानसभा क्या कुछ अलग दिखती है अन्य विधानसभाओं से, या उत्तर प्रदेश की जो अमूमन हर विधानसभा का हाल है, जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं या उन्हीं से मिलती जुलती है नजर आती है। तो ये कादीपुर विधानसभा है जिसकी तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और करीब से जानने के लिए हमारे साथ दो एंगल का एक एंगल जो है वो है हमारे रिपोर्टर साहब, हमारे संवाददाता साहब फरीद अहमद साहब। ये हमको जमीनी हाल बताएंगे फुल क्रेडिबिलिटी के साथ कि आखिर सच्चाई क्या है जमीन पर। और दूसरी तरफ हमारे साथ एक आम दर्शक, हमारे साथ रैंडम हमारे कोई भी साथी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर लीजिए जरा। तो सबसे पहले फरीद अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरीद साहब सबसे पहले तो आज हम कादीपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, कादीपुर विधानसभा को लेकर सबसे पहले तो आप मुझको समझा दीजिए, और मुझे पता है कि आपसे पहले भी मुलाकात हुई, आप जब समझाने पर आते हैं तो एक ही दफ़ा में समझा देते हैं, तो आज एक ही दफ़ा में समझाइए कि आखिर कादीपुर विधानसभा में ऊपरी जो माहौल है वो किस तरह का है, जनता क्या सोच रही है, वोट देने जा रही है लेकिन उससे पहले घर पर क्या मन बना रही है। अभी घर के अंदर जब रात में टेबल पर जब डिनर चल रहा है तो आखिर घर पर क्या बातचीत हो रही है, एक एक चीज को आप समझ रहे होंगे, जरा समझाइएगा सर। पहले मैं कर दूं कि कादीपुर विधानसभा जिले की 5 विधानसभा से महत्वपूर्ण विधानसभा है, और ये जानना जरूरी है कि यही एक सीट है जो सुरक्षित विधानसभा है। आप फरीद साहब आप किसी कारपेंटर की दुकान के आसपास हैं क्या, वो खट 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 आवाज पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, इसके आसपास हट जाइए थोड़ा सा, ठीक है जी बताएं। बोलिए सर, तो क्या माहौल है, माहौल को समझाइए। मैं ये बताना चाह रहा, पहले तो आपको छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दे दूं कादीपुर के बारे में। कादीपुर विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है, 5 विधानसभा जिले की जो है उसमें से एक सुरक्षित सीट है। इस पर जो बहुजन समाज पार्टी के से आए हुए समाजवादी पार्टी में भगेल उड़ान चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार ये बहुजन समाज पार्टी की सवारी करके ही विधानसभा तक पहुंचे हैं, और अब की बार राजेश गौतम जो चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 2017 में ये विधायक चुने गए, सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने आज जीत दर्ज करी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से इन पे दांव लगाया, देखते हैं आगे आने की तस्वीर को क्या साफ होता है, लेकिन लड़ाई सीधी सीधी जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, ये तो हो गई नेताओं की बात, बाकी जमीन पर रियाज क्या सोच रहा है, फराज क्या सोच रहा है, ननकू क्या सोच रहा है, रज्जाक क्या सोच रहा है, आप भी मिलते रहते हैं। देखिए जो
आम जन का नजरिया है बिल्कुल आपकी जुदा सा है, वोटर बहुत साइलेंट है। और आपको खासतौर पर बता दें सवर्ण मतदाता जो क्योंकि सुरक्षित विधानसभा है, यहाँ पे दलित वोट ज्यादा है, सेकंड पे ब्राह्मण वोट आता है और क्षत्रिय बिरादरी है। तो जो लोगों से मैंने बात करी जो परसेप्शन का निकल गया वो साइलेंट है, वो समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट था वो जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट था भगेल राम जो समाजवादी पार्टी से लड़ा है वो काफी हद तक कैडर का वोट उनके साथ मैंने देखा चलते हुए। ठीक है, तस्वीर कुछ अलग हो सकती है। देखिए अब फरीद साहब आप तो मुझसे पहले भी जुड़े हैं तो हम जब अपना कार्यक्रम करते हैं तो आपकी भी बात सुनते हैं और एक और साथी हमारे साथ है इनकी भी बात सुनेंगे। और अपनी बात रखने की एक बड़ी गंदी आदत है कि अपनी बातें जरूर बीच में देते रहते हैं तो ताकि दर्शकों तक भी ये चीज़ पहुँचे। फरीद साहब क्या है कि आपने कहा कि साइलेंट वोटर, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि साइलेंट वोटर है ही है हर चुनाव में, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव भी हो लेकिन साइलेंट वोटर होता ही होता है। और पत्रकारों के माइक पर जो ज़्यादातर लोग दिखाई देते हैं, जो चेहरे आते हैं बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया पलट कर रख देते हैं, उसे धो दिया इसे धो दिया, वो दरअसल किसी ना किसी पार्टी से या तो प्रेम करते हैं या समर्थक होते हैं या पार्टी के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं जो पॉलिटिकल लेवल पर समझता है। अब एक LIC में व्यक्ति काम कर रहा है जिसके 4 बच्चे हैं, वो इसी बात को लेकर परेशान है कि तीसरे की फीस कैसे भरें। अब वो रास्ते में जा रहा है मोटरसाइकिल से, उससे अगर पूछ दिया कि भैया किसको वोट दोगे तो माइक छीन लेगा आपका और खुद के बस्ते में रख के ले जाएगा घर तक। तो ऐसा है, तो जो लोग सियासी समझ रखते हैं या सियासत को जानते समझते हैं वही लोग बोलते हैं, आम लोग कहाँ बोल पाते हैं। गृहणियाँ जो घर पर जो सच में सिलेंडर के बढ़े रेटों से परेशान है वो कहाँ आ पाती हैं कैमरे के सामने, जो सच में सरसों का तेल डालती हैं वो भी कम कर देती हैं थोड़ा कि महंगा बहुत है, वो कहाँ आ पाती हैं कैमरों के सामने। तो जो परेशान है उन तक बहुत मुश्किल होता है पहुँचना। और बाकी सड़क पर निकल जाइए तो ये उत्तर प्रदेश है, हर दूसरे कदम पर एक व्यक्ति खुद को या तो लालू बनाना चाहता है या मुलायम बनाना चाहता है या खुद को मोदी समझता है। और सबके चाचा भतीजा तो फिर है ही यहाँ विधायक, ऐसा तो कोई है ही नहीं। चलिए एक और साथी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, नाम बता दीजिएगा अपना, पहले परिचय दे दीजिएगा सर। ठीक है, जरा अनम्यूट हो, अनम्यूट करिएगा जरा सर, आपके EP से आवाज़ नहीं आ रहा, आपको EP हटाना पड़ेगा सर। नहीं, EP से आवाज़ नहीं आ रहा सर आपका, आप इस ईयरफोन को हटा लीजिए, इसको अलग कर लीजिए फ़ोन से अपने। हाँ, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आप को अलग कर लिया वैसे आप इस EP को अलग कर लीजिए बीच। ठीक है, हाँ अब ये बताइए साहब अपना नाम बता दीजिएगा। चलिए देखिए आवाज़ की समस्या, एक बार फिर आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ जो है ऑडियो जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। नहीं, आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, ऑडियो को आप दोबारा सही करवाएंगे, तब तक हम फरीद साहब से बात कर लेते हैं। फरीद साहब हेलो। हाँ जी फरीद साहब, ये जानना चाह रहे थे, देखिए 2017 की अगर मैं तुलना करता हूँ आज की परिस्थिति में, 2017 में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ये 4 चरण ऐसे थे फरीद साहब जिसमें BJP का ऐसा डंका बजा था कि सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूं तो 80-95-95% तक पहुंच गया, 80-90-95% तक सक्सेस रेट पहुंच गया था पहले के 4 चरणों में। लेकिन बाद के जो चरण थे उसमें बीजेपी का पिछली बार 2017 में डाउनफॉल देखा गया था, 50% तक आकर भी समेटा पड़ गया था, क्योंकि यहाँ की जो अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, वाराणसी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, इधर सुल्तानपुर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, यहाँ के वोटर बड़ा चकित करते हैं। तो इस बार मेरी नज़र में, फरीद साहब को स्क्रीन पर लीजिएगा ज़रा, तो मुझे जो लगता है फरीद साहब वो ये है कि इस बार मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करूँ आप भी मुझे समझाइएगा, सांड जो है इस तरफ, अब जो 3 चरण हैं इनमें मुझे लगता है कि सांड और एक राशन, ये दो बड़े अहम हो चुके हैं मुद्दे, क्योंकि एक तरफ कल तो अखिलेश जी ने भी बोल दिया कि 5 साल हमारी सरकार बनाओ, 5 साल फ्री का राशन पाओ। अब योगी जी टेंशन में आ गए, योगी जी कह रहे हैं तो मार्च तक के लिए वादा कर दिए थे, अब ये तो 5 साल खींच दिए इसको राशन को। तो आम लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं जो कैमरे पर नहीं आ पाते उन तक बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फ्री राशन या राशन देना बहुत असर डालता है फरीद साहब, बहुत असर डालता है, घरों तक अगर राशन पहुंच रहा है तो ये बहुत असर डालता है, जमीन तक बिल्कुल लास्ट लेवल तक। तो अखिलेश यादव ने जब कह दिया कि 5 साल फ्री राशन पाओ हमारी सरकार बनाओ,
और दूसरी तरफ साढ़ों का मुद्दा भी अहम है, क्योंकि यहाँ जो गांव देहात के जो क्षेत्र हैं वहाँ साढ़ पूरी फसल बर्बाद करें नंदी महाराज। तो ये मुझे लगता है कि दो मुद्दे हैं जो काफी अहम रह सकते हैं सर, आपके एरिया में भी बताइएगा थोड़ा। बिल्कुल, राशन का मुद्दा तो वाकई अहम है, तो राशन पे ही लड़ाई आके कहीं ना कहीं टिक गई है, पूर्वांचल की तरफ जो भी फाइट पहुंच रही है। पश्चिम में बिल्कुल आपने अभी सही कहा कि पश्चिम में जो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी 2017 में था बिल्कुल चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला क्या, ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बेस वोट लेकर के वहीं से फिर अवध और थोड़ा से आगे पूर्वांचल बढ़ती है, यहाँ लूज करती है, लेकिन अब की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल जुदा सी हैं। ये राशन वाली लड़ाई और सांड वाली लड़ाई, तो बिल्कुल भाषणों में लगातार अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सांड से मुक्ति दिलाएंगे, 5 साल राशन देंगे, तो जरूर जरूर हिट करेगा लोगों के दिमाग पे, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत अहम बात है कि पूर्वांचल की तरफ, और जो अभी आपने कहा बनारस साइड, गाजीपुर साइड, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते बीजेपी लूज करती है, और वोटर जो मैंने अभी शुरुआत में कहा बड़ा साइलेंट है, वो कुछ नया चेंज देखा जा सकता है आने वाले। और उत्तर प्रदेश में ही लोग कहते हैं, हमारे एक मित्र हैं, वो कह रहे थे कि हम ये देश घूमे हैं, वो देश घूमे, तुम घूमे हो तो क्या घूमे हो, हमने कहा हम पूरा उत्तर प्रदेश घूमे हैं। और उत्तर प्रदेश ही दरअसल बहुत सारे देशों के बराबर है अगर समझने निकलेंगे तो। पश्चिम में जाइए आप, तो पश्चिम में अगर आपको चुनाव लड़ना है साहब, तो आपको हिंदू मुस्लिम फैक्टर रखना पड़ेगा, आपको किसान डायरेक्ट किसान फैक्टर रखना पड़ेगा। लेकिन आप जब उधर से इधर बढ़ते चले जाते हैं, अवध होते हुए पूर्वांचल की ओर बढ़ते हैं, तब आप देखिए बिल्कुल चीज़ें बदल जाती हैं। अब सांड बड़ा अहम हो गया है, अब यही सांड का मुद्दा पश्चिम में बोल दो तो सांड ही पीछे छोड़ दें, तो ये फर्क पड़ जाता है कि जब आगे बढ़ते हैं तो मुद्दे काफी बदलते रहते हैं। आप हमारे साथ एक बार फिर हैं, स्क्रीन पर हैं, एक बार फिर आप बात करके देखेंगे सर, अपना परिचय करा दीजिएगा प्लीज। जी, मेरा नाम है सुधाकर सिंह। जी सुधाकर जी, सुधाकर जी सबसे पहले तो ये बताइए, हमको ये समझाइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं इस बार चुनावों में 2022 में, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप भी बाहर निकलते होंगे, आप युवा हैं, आपके दोस्त यार भी होंगे, साथी भी होंगे, संगी भी होंगे, अड़ोस पड़ोस मोहल्ला क्या क्या चल रहा है? जी सर, जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे कादीपुर विधानसभा में इस बार पिछले 5 साल भी राजेश गौतम जी विधायक रहे हैं, और इस बार भी जो है जनता देख रही है, जैसा कि कादीपुर में विकास तो बहुत ही ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है अभी योगी जी के कार्यक्रम लगे थे कुछ दिन पहले, तो इस वजह से कुछ रुझान तो लग रहे हैं, बाकी सरकार की तरफ से तो बेहतर ही कार्य किया जा रहा है। सरकार की तरफ से मतलब आप सरकार ने जो काम किया है उससे आप संतुष्ट हैं, कुल जमा बात ये है? जी, सरकार अपनी तरफ से अच्छा करे, बाकी जो नीचे रहने वाले जैसे विधायक हुए, प्रधान हुए, ये लोग अपना काम ना करे तो उसमें सरकार की गलती नहीं होती है। अच्छा, अब मुझे ये बड़ी दिलचस्प बात आपने छेड़ दी, क्योंकि ये तार छेड़ दिया है तो राग भी अलाप लेते हैं जी। ये मुझे समझ में नहीं आता, फरीद साहब आप भी जवाब दीजिएगा, कि कई लोगों से मैं भी मिला और आप भी मिले होंगे, कई लोग कहते हैं कि स्थानीय विधायक बड़ा गड़बड़ है, स्थानीय नेता बड़ा गड़बड़ है, ये कुछ नहीं करा, इसने कुछ नहीं किया, घर पे बैठा रहा आपने और अपना घर भी भर लिया। लेकिन जो प्रदेश में सरकार है, आज की बात करूं या 2017 से पहले की भी बात करूं, कि प्रदेश में जो सरकार है, मैंने तब अखिलेश यादव साहब और अभी योगी जी, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ऐसे धर्म संकट से निकालें तो निकालें कैसे जनता, मतलब खुद मैं अगर जनता के तौर पर देखूं तो क्या मतलब, मैं अगर अपनी विधानसभा में जाता हूं तो अगर मैं स्थानीय विधायक से परेशान हूं कि स्थानीय विधायक तो कुछ करते नहीं, लेकिन योगी जी के काम से खुश हूं, तो वोट कहां दूं फिर, बड़ी दुविधा की स्थिति है। भाई साहब इसका कोई सलूशन बताइए। ये मैं बता रहा हूं, इसके दो मायने, एक तो बड़ा कंफ्यूजन की कंडीशन है कि पहली बात तो अगर मतदाता ये समझता है कि हमारा विधायक काम नहीं कर रहा, तो यानी कि विधायक हमारा तेज नहीं है, एक्टिव नहीं है, और अगर ये मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री से मैं खुश हूँ, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और विधायक काम ला नहीं पा रहा क्षेत्र के लिए, अपने विकास की कोई योजना नहीं और ग्राउंड लेवल पे लेके आता है, तो ये दो चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये भारतीय जनता पार्टी की जो 2017 की गवर्नमेंट, अगर हम गाजीपुर विधानसभा की बात करें तो बिल्कुल बदहाल स्थिति रही है, क्योंकि मैं जिस सड़क से कल आया हूँ लौट करके, कल मैं गया था वहाँ पे फायर रिपोर्ट बनाने, तो मैं लौट के जिस सड़क से बरौसा से जो गाजीपुर हाईवे की तरफ जाती है, जर्जर अवस्था में है, कि अगर मरीज आता हो तो रास्ते में शायद वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, जब इनको राजेश गौतम को टिकट की घोषणा हुई कादीपुर विधानसभा, तो बड़ा भारी विरोध का सामना करना इनको पड़ा था, स्थानीय नेता भी विरोध में थे कहीं ना कहीं और आम जनता भी इनके विरोध में थी, तो जाहिर सी बात इन्होंने कोई काम नहीं किया, या फिर ये जनता को समझा नहीं पाए कि मेरी सुनी नहीं गई, मुख्यमंत्री साहब ने सुनी नहीं, या मैं
सचिवालय से काम नहीं करवा सका, कुछ ना कुछ तो कारण रहा ही है। एक्टिवनेस बहुत जरूरी है इसमें। अगर विधायक हमारा तेज होगा तो जाहिर सी बात है ग्राउंड लेवल पे काम करेगा विधायक। कहीं अगर लचर व्यवस्था में, इसी लचर व्यवस्था में विधायक भी है तो जाहिर सी बात है कि हमारे जैसा वो भी आ रहा है, माननीय और हम में फर्क क्या रह गया, ये सवाल उठते हैं आम जनता के। और एक और चीज फरीद साहब, ये क्योंकि उधर साइड का इतना ज्यादा मैं रहने वाला नहीं हूँ उधर साइड का, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, वहां पर सुना है ये जो छोटे दल हैं, छोटे छोटे दल जो हैं, अब बीजेपी के साथ भी कुछ लग लिए हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ भी सवार हैं, सुभाष पाल या फिर राजभर साहब की बात कर रहा हूँ या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब वो अब आए हैं, आपके आसपास या आपकी सीटों पर इनका प्रभाव बताया जाता है कि रहता है कि अगर ये आके दो चार जनसभा उड़ा दें तो माहौल थोड़ा पलट रखते हैं। लेकिन जनता को ये बात समझ में आती है फरीद साहब, जितना हमें समझ में आती है, कि अगर सरकार ना बनी या फिर अगर वो रिजल्ट ना मिला तो फिर आपको लगता है ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये पूछेंगे या इन्हें साथ लेकर कैरी करके आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले 5 साल तक कुछ काम करते नजर आएंगे, या ये छोटे दल कब पासा पलट गए? देखिए, जो मेरा अपना आकलन रहा है मेरी अपनी पत्रकारिता के करियर में, मैंने देखा है जब ये चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के, तो छोटे दल जो जिनके 2-4-6 जिलों में अच्छी पैठ है, वो चुनाव में हिट तो जरूर करते हैं, बेशक हिट करते हैं, एक तो रुपए असर डालते हैं, जैसे आपके निषाद पार्टी है, तो निषादों का एक वर्ग, बड़ा वर्ग, तो उस पर इफेक्ट डालेगी। अभी हाल ही में निषादों की एक पार्टी VIP विकासशील इंसान पार्टी, जो कि वहाँ बिहार में एक्टिव है, वहाँ से मंत्री है मुकेश दाहिनी साहब, वो भी यहाँ एक्टिव हुए, उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों को उतारने का प्रयास किया था, लेकिन उनके लोगों ने, मैंने अभी देखा कि कुछ दिनों उनके लोगों ने समाजवादी पार्टी को ले जाकर सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे वो तो ये मतदाता भी पशुपेश में कहीं ना कहीं रहता जरूर है। जाहिर सी बात है कि निषाद के तो ये भी नेता, निषाद के वो भी नेता है, इसी तरह के राजभर की पार्टी है, राजभर साहब का भी गाजीपुर बेल्ट में बड़ा अच्छा इफेक्ट है, बड़ा अच्छा इफेक्ट माना जाता है, तो कहीं ना कहीं असर डालते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद ये गायब हो जाते हैं। अपनी 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 इनके जो इनका जो समाज है वो ये मानता है कि साहब ने वोट लिया और हमारे समाज के लिए एक मंत्री पद दे दिया, एक वो दे दिया, और बाद में वो टाइट एक्सेस हो जाता है। ओवरऑल सिर्फ इनको विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ही इनकी जो एक्टिव वाली कंडीशन वही दिखाई देती है, बाद के दिनों में ये एक्टिव नहीं रहते। सही कह रहे हैं आप, एक्टिव नहीं रहते हैं, और बाकी एक्टिव नहीं रहते और पत्रकार भी हैं इसमें, कुछ हम पत्रकारों की भी इसमें गलती है। अब ओपी राजभर साहब का आजकल मैं देखता हूँ, ओपी राजभर साहब जहाँ भी मुझे दिखते हैं, जब भी मैं देखता हूँ उनकी बाइट वगैरह आती है स्क्रीन पर देखता हूँ, कम से कम 30-35-40 माइक आईडी, फरीद साहब कम से कम 30-35-40 पत्रकारों से घिरे रहते हैं। अगर आप इस पे मेरा अपना पर्सनल व्यू देखना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी भी कमियां हैं, और सबसे बड़ी बात मीडिया में जिस तरह से भड़काल आई है, मीडिया में एक तबका चूंकि इलेक्ट्रॉनिक भी हुई है, सोशल मीडिया एक्टिव होने की वजह से भीड़ तो हुई है, और अच्छा लोगों को हाइप मिलती है, नेताओं को भी लगता है कि 20 कैमरे मोबाइल और 20 आईडी। फरीद साहब मैं क्या बात कर रहा था कि अभी आजकल ओपी राजभर साहब, जैसे आपने कहा ओपी राजभर साहब अभी आते हैं लेकिन बाद में गायब रहते हैं, वो भी ये भी बात सत्य है कि अभी अभी दिख रहे हैं, अभी अभी बयान दे रहे हैं फिर गायब, लेकिन ये भी एक सत्य है कि अभी जब भी मैं देखता हूँ ओपी राजभर साहब हुए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हुए या जितने भी निषाद पार्टी के हुए हमारे संजय साहब हुए, आजकल इनकी जब भी कोई बाइट देखता हूँ, कहीं भी कोई विजुअल देखता हूँ, कम से कम 30-35 पत्रकार आसपास, कैम माइक लगा हुआ है। और 2-3 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, लखनऊ में गया था एक कार्यक्रम में, वहाँ बैठे हुए थे, पत्रकार पहचान ही नहीं रहा था कौन है। तो ये भी है, अभी खत्म होने दिए चुनाव, एक आईडी इनके सामने नहीं दिखेगी अगर सरकार ना बनी तो, अगर बन गई तो ठीक है, फिर तो लड्डू है, लेकिन अगर ना बनी तो कुछ नहीं है। तो ये है, खैर ये राजनीति है, ये अच्छी चीज है, लोकतंत्र है, मजा है सबका। हाँ, तो हम हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते चलेंगे। तो हाँ, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था, बाकी अभी देखिए युवाओं का क्या फैक्टर है वहाँ पर, युवा क्या सोच रहा है वहाँ पर आपके क्षेत्र में जी, युवा किस चीज़ को लेकर डिमांड कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया कि सांड का मसला है, राशन का मसला है, ये अलग तबके का अलग वर्ग का है, लेकिन युवा का स्पेसिफिक क्या है? जैसा युवा को तो सिर्फ देखिए उसमें क्या है, युवा को रोजगार चाहिए, और रोजगार जब रहेगा तभी तो युवा आगे बढ़ेंगे। लोग पढ़ाई करके बैठ रहे हैं, अगर वैकेंसी नहीं आ रही है, फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, या कोई नहीं होगा तो युवा कैसे क्या करेगा आगे? ठीक है, इसके अलावा और कुछ? और जैसे आप बता रहे हैं सांड की समस्या, सांड की समस्या तो आम जनता से ही तो है,
आम जनता ही गांव के ही लोग हैं जो पता चलता है सांड हुए बछड़े हुए उनके बड़े हो गए उसको छोड़ देते हैं, तो ये तो खुद गलत करते हैं लोग। अगर उन्हीं लोगों को पहले ऐसा नहीं होता था, लोग अब बांध कर रखते थे, आप खुद खोल दे रहे हैं, वो दूसरों के खेत में जा रहे हैं, आप उन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो ये समस्या बढ़ती ही तो जाएंगी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको बचाया है। और क्या मुद्दे हो सकते हैं सर? और मुद्दे जैसा कि सरकार ने राशन दिया और उसके बाद विधवा पेंशन और कॉलोनी जहां जहां पे है सबको दे रही है, जितना भी चाह रहा है सरकार अपनी तरफ से कर रही है। अब लोग मैं ये पूछ रहा हूँ आपको क्या क्या फायदे हुए हैं? आप अगर आप फायदे बता रहे हैं सरकार के तो आपको क्या क्या फायदे हुए हैं? ये जैसे किसान सर देखिए हम लोग को क्या फायदे हुए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग को सिर्फ रोजगार से मतलब है। जब आने वाले समय में हमें वैकेंसियां नहीं मिलेंगी तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो समस्या है ना। मतलब आप नाराज हैं करंट सरकार से? नहीं, इससे युवा पीढ़ी तो सब नाराज है। और क्या नाम से आए दिन जैसे पहले होते थे एग्जाम कैंसिल हो जाते, चलिए अब वो चीजें नहीं होती है। सरकार अपनी तरफ से सुधार भी कर रही है, जैसे 2 साल कोरोना की वजह से सरकार इतना मुझे कंफ्यूज कर दिए हैं साहब, इतना मुझे कंफ्यूज कर दिए हैं आप। एक तरफ बोलते हैं कि ये योजना का लाभ मिला, इसका लाभ मिला, इसका लाभ मिला, इसका लाभ मिला, फिर मैं कहता हूँ कि आप अपना बताइए, तो आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला हम तो परेशान है, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं काम सर, सर देखिए जिन लोगों को लाभ मिला है वो तो जाहिर सी बात है मिला ही है। मतलब आप कह रहे हैं कि दूसरों को लाभ मिला, मुझको लाभ नहीं मिला? जी बिल्कुल। तो आप परेशान हैं? जी बिल्कुल, युवा पीढ़ी इससे परेशान है। ठीक है, तो मतलब सरकार पलटने का मन बना रहे हैं आप? नहीं, पलटना नहीं, सरकार का सहयोग किया जाएगा। अब धीरे धीरे सुधार कर रही सरकार, आगे भी इसका भी कहीं ना कहीं परिणाम निकलेगा इससे सरकार। मतलब इसी को सुधारना है? मतलब इसी सरकार को सुधारना है? जी बिल्कुल, पलटना नहीं है? पलटना नहीं है। ठीक है, चलिए। तो फरीद साहब देखिए कैसे कैसे स्टेटमेंट आते हैं, सरकार से परेशान है लेकिन इसी को समझाना है, इसी को सुधारना है, पलटना भी नहीं है। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि सोके उठे कि पलट दे, कुछ कुछ तो रात में सपना देख रहे हैं कि सुबह उठते ही सरकार पलट जाए कैसे भी कर दिया। तो ये बड़ा दिलचस्प, लोग जुड़ते भी हमारे साथ मिलते भी हैं। फरीद साहब देखिए पब्लिक है, तमाम तरह के लोग होंगे, तमाम तरह की राय होंगे। अब किसी एक की राय किसी के साथ अच्छी भी हो सकती है, किसी की राय बहुत बुरी हो। पब्लिक है, अपने लेवल से सब सोचते हैं। छात्र हैं, हालांकि छात्रों में गुस्सा है रोजगार को लेकर के है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात को दबाए बैठे हैं, वोट के जरिए हो सकता है वो पता है। तो आने वाला वक्त मार्च तय करेगा क्या होगा। और छात्र तो जब अपनी पर आ गया है तो फिर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े नेता भी निकले हैं, लालू जी भी वहीं से निकले हैं, तो ठीक है सब। बाकी अब जाते थे फरीद साहब, ये और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैं सक्सेस रेट की बात कर रहा था कि पिछली दफ़ा हमने देखा था कि 90-95 का लेकर चलती 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 जब आखिरी के 3 चरणों तक आती है, चुनाव जब आते हैं, तो बीजेपी का जो सक्सेस रेट था वो 50-65 भी रिटेन करना मुश्किल हो रहा था, तो कम हुआ था काफ़ी ज़्यादा। इस बार ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि उतना ज़्यादा किसी का नहीं लग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का ही दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी का ही दिख रहा है, बस इतना स्पष्ट है कि सपा और बीजेपी का ही फाइट है, इन्हीं के बीच फाइट है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, इधर चुनाव में बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि चुनाव किस दिशा में जाता हुआ आप देख पा रहे हैं? भाई मैंने पिछले हफ्ते मेरी बात हुई, जब पिछली बार मैं स्टेज लाइव था तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि चुनाव घाटे का है, कड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह लहर में नहीं है, ये आम जन भी जान रहा है। क्लीन स्वीप बिल्कुल नहीं है, और जो 4 चरण मैंने पहले भी कहा, जो 4 चरण बीते हैं वहां जहां से पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी प्लस में आती थी, जो रिपोर्ट नहीं है उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट हुई है। अब ये जो 2-3 चरण बचे हुए हैं ये आने वाले दिनों में तय करेंगी हवा किधर जा रही है। ठीक है, और क्योंकि जब चुनाव की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मायावती जी को दरकिनार नहीं कर सकते। मायावती जी का क्या रोल देख रहे हैं आप 3 चरणों में बचे हुए में सर? बिल्कुल, आप यही सारे राजनीतिक दलों की निगाहें हैं
तो इन छोटे दलों और खास तौर से मायावती बहुजन समाज पार्टी पर सरकार बनाने की स्थिति में किंग मेकर, अगर सर बता दूं आपको कि एक ये भी देखो अंग असेंबली की कंडीशन भी अगर आती है तो बहुजन समाज पार्टी की अहम भूमिका होने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार को बनवाने में, तो मायावती किंग मेकर की भूमिका में होनी चाहे, तो मेरा जो अपना नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही यही मेरी भी कल की बात हो रही थी अपने हमारे वरिष्ठ हैं उनसे प्रमोद जी से, कि वो भी कह रहे थे कि मायावती जी कहाँ गायब है, मायावती जी तो गायब ही हैं, उनका तो लग रहा है जैसे अब ख़त्म है, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। तो मैं भी उनसे यही बात कर रहा था, मैंने कहा कि बीजेपी और सपा के बीच फाइट ज़रूर है लेकिन आखिरी वक्त में अगर कल को मायावती भी मुख्यमंत्री बन जाए तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि अगर वो अपना लेकर बैठ जाएं शर्त लेकर तो किस पार्टी की तरफ चली जाएं। और ऐसा लग रहा है, ऐसा मैं इस बार भी आशंका है कि शायद जो आपने कहा कि भंग असेंबली वाली चीज़ हो सकती है, शायद दोनों पार्टियां मेजोरिटी में ना आ पाएं और ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसे में मायावती जी का रोल काफ़ी अहम हो जाएगा और वो बड़ी नेता हैं तो बोल भी सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरीद साहब बातचीत करने के लिए, ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहा करिए, अच्छा लगता है हमको काफ़ी। और बाकी आप भी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा बढ़िया कन्फ्यूज़ किया आप। चलिए तो आज का कार्यक्रम हमारा था मेरा गांव मेरा देश है का यूपी एडिशन, जिसमें हम बात कर रहे थे कादीपुर विधानसभा की, कि आखिर कादीपुर विधानसभा का हाल कैसा है, यहाँ की जो जनता है वो क्या कुछ सोच रही है और बाकी यहाँ के मुद्दे क्या कुछ हैं, इसको लेकर हमारे साथी फरीद जी भी जुड़े थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।